क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मैडम भी मारती है। अब क्या करें इसका, पिछली बार भी एग्जाम में फेल हो गया था। इसमें मैं क्या करूं, सब आपकी गलती है। मेरी गलती? अरे भाई साहब, क्या हाल है? अरे लोकेंद्र जी, आप? और बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? अंकल, मुझे स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता। भाई साहब, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। गांव के बॉर्डर पर एक बाबा जी आए हैं, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी हैं। मेरी मानिए तो आप ध्रुव को उनके पास ले जाइए, फिर देखिएगा वो क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में फर्स्ट आएगा। ऐसा क्या, फिर आज शाम को ही हम वहाँ जाएंगे। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। अरे तू अभी स्कूल से आई है और अभी पढ़ने बैठ गई? तू स्कूल जाने के पहले पढ़ती है, स्कूल के आने के बाद पढ़ती है। अरे जब देखो तब पढ़ती ही रहती है, कभी खेल भी लिया कर। ठीक तो कर रही है, पढ़ेगी नहीं तो सीखेगी कैसे? और वैसे भी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें जल्दी कोई पूछता भी नहीं है। और भाई साहब, क्या हो रहा है? अरे लोकेंद्र जी, आप? सब ठीक है, अपना सुनाइए। सब बढ़िया। अरे खुशी, आज तो तुम्हारा रिजल्ट था ना, कैसा रहा रिजल्ट? अंकल, पूरी स्कूल में सेकंड आई हूँ। बस सेकंड आई हो? देवेंद्र जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल। गांव के बॉर्डर पर एक बाबा जी हैं, बहुत ही पहुंचे बाबा जी हैं। अगर आप उसी को उनके पास ले जाओ तो यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं पूरे राज्य में फर्स्ट आएगी। आप तो रहने ही दीजिए, हमें किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ अंकल, और मुझे भी पता है कामयाबी बाबाओं से नहीं अपने विश्वास और मेहनत से मिलती है। अरे हम लेट हो रहे हैं, चलो बाबा के पास चलना है। चलो जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। रुको, किससे मिल रहा है? हम बाबा से मिल रहे हैं। प्रणाम बाबा। ओम भट्ट साहब, ओम भट्ट साहब। बोल बच्चा, क्यों आया तू यहाँ? बाबा, मेरा बेटा हमेशा फेल हो जाता है, आप कुछ ऐसे कीजिए कि ये हमेशा फर्स्ट आए। तू बिल्कुल सही जगह आया है, बैठ जा। याद है, जब भी ये एग्जाम देने जाए इसे ये पानी पिलाकर ही एग्जाम देने भेजना। और हाँ, ये फूल रख अपने पास, और जब तक ये एग्जाम देगा तब तक ये फूल इसके पास होने चाहिए, समझा? बाबा आपकी दक्षिणा? बेटा ज्यादा नहीं, सिर्फ 40,000 रुपए। हाँ बाबा ठीक है। जा बच्चा, कल्याण हो।
आज की ताजा खबर 10वीं का परिणाम घोषित, एक छोटी सी बच्ची ने किया टो। आज की ताजा खबर। अरे इसमें तो हमारे बेटे का नाम ही नहीं है। उस बाबा ने हमसे पूरे 40,000 रुपए लिए थे। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। भाई साहब यहाँ एक बाबा थे, आपने देखा क्या? मैं भी उनसे ही मिलने आया हूँ। उन्होंने मेरे बेटे को पास करने के लिए पूरे 40,000 रुपए लिए थे। इसका मतलब हमारा पैसा गया? सुनती हो? देखो यहाँ देखो, हमारी बेटी ने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। सच्ची? मुझे पता था ये जरूर कर लेगी। बहुत अच्छा, आज तूने साबित कर दिया कि अगर खुद पर भरोसा हो तो दुनिया की हर चीज हासिल की जा सकती है। बहुत अच्छा खुशी, बहुत अच्छा। आज अगर मैं पूरे राज्य में फर्स्ट आई हूँ तो इसके पीछे सिर्फ दो लोगों का हाथ है, एक मेरे मम्मी पापा का और दूसरा मेरा खुद का। क्योंकि मुझे पता है कि चमत्कार और किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। हम शारीरिक रूप से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम आज भी किसी ना किसी के गुलाम हैं। हमें इस तरह की गुलामी से भी आजाद होना होगा, क्योंकि अगर हम चाहे तो सही तरीके से मेहनत करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, मन से विकलांग होता है। और जो इंसान मन से विकलांग हो गया वो हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा। इसलिए किसी दूसरे पर भरोसा ना करके खुद पर भरोसा करना सीखिए। जय हिंद।